पूरा मामला जनपद अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़ित रोहित ने बताया कि अजय कुमार जायसवाल, जो कि पुलिस लाइन में तैनात हैं, मेरी दुकान पर आते थे और मुझे नौकरी का झांसा देकर 1,80,000 रुपये लिया और कहा कि मैं आपको NSSO विभाग में नौकरी दिलाऊंगा। और पीड़ित ने कुछ नगद और ऑनलाइन के माध्यम से अजय कुमार जायसवाल को पैसे दिए। अजय जायसवाल के द्वारा पीड़ित को ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया। जब पीड़ित विभाग में जाकर जानकारी किया तो वह गलत और फ्रॉड निकला। तत्पश्चात पीड़ित रोहित ने अजय जायसवाल से मिलकर जानकारी लेने का प्रयास किया तो वह गलत तरीके से धमकी देने लगे। पीड़ित का कहना था, मेरा पैसा वापस कर दिया जाए, मुझे नौकरी नहीं करनी है, जिसका साक्ष्य मेरे पास मौजूद है, जबकि इसके संबंध में पीड़ित ने संबंधित थाने पर शिकायत भी की, लेकिन न्याय अभी तक ना मिल सका है। तो केवल अजय कुमार द्वारा पीड़ित को धमकी, जो कि पीड़ित रोहित ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कप्तान से मुलाकात नहीं हुई। देखिए पीड़ित ने क्या कुछ कहा। अभी तो मौजूद है पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर, हमारे सामने खड़े पीड़ित रोहित का नाम रोहित है, हम बातचीत करेंगे। इनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है जो कि पुलिस विभाग का नाम आ रहा है। क्या मामला था आपका? नौकरी के चक्कर में 1,80,000 पैसा कैसे किए हो आप? ऑनलाइन कुछ कैसे मेरे पास ऑनलाइन दिए, उसके बाद कैसे दिए? हाँ कैसे, पैसा कहाँ लेते? पैसा मेरी दुकान पर लेते थे, कोई नहीं था अपना। पैसा आपके दुकान पर जाके लेते थे? आप क्या चाहते हैं? मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे काम नहीं। पैसा आप लिए हैं ऑनलाइन और नगद, ये पैसा किस काम के लिए दिए हो आप? NSO विभाग में बोले थे, वो जॉब लगाने के लिए। अच्छा, वहाँ उस कार्यालय या उस ऑफिस में जो है विभाग में आप गए थे? वहाँ पे लेकर लेटर गए थे, लेटर दिए थे, वो बोले मुझे पर केस करने को, बोले फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तुमको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, तो आप परमानेंट जल्दी करो। उसके बाद अपना बोले कि वहाँ पर जाओ, उनके नाम पर केस करके फर्जी कर दो। 1,80,000 कप्तान साहब से आपकी मुलाकात ठीक नहीं हुई? अभी तो मुलाकात नहीं हुई उनसे। क्या आप सोच रहे हैं? आप मुलाकात हो जाए ठीक रहेगा। चलो है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।